बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कविता वे आंखें। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों, इससे पहले हम इसके 4 पैसेज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पैसेज में देखिए कि वे आंखें के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहना चाहते हैं। घर में विधवा रही पतोहु लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। तो क्या कहता है कवि सुमित्रा नंदन पंत कि जो घर में बेटे की बहू थी, उसका जो बेटा था, वो आपने पिछले जो है उस पैसेजेस में पढ़ा कि उसे मार दिया गया था राजा के कारिंदों के द्वारा। तो उसकी जो पत्नी थी वो विधवा हो चुकी थी, लक्ष्मी थी, नाम तो उसका लक्ष्मी था, लेकिन वह पति की घातिन थी, पति को मारने वाली लोग उसे कहते थे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने। एक दिन क्या किया कि कोतवाल ने उसको पकड़ कर अपने पास बुला लिया और उसकी जो है उस विधवा स्त्री की इज्जत लूटने की कोशिश की। और इसके बाद इस कलंक के डर से वह पतोहू भी, वह जो है किसान के बेटे की बहू भी कुएं में डूबकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू। क्या कहता है कवि कि उस समय जो है समाज में स्त्री की दशा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि उस समय समाज में स्त्री को पैर की जूती समझा जाता था। जोरू होता है घरवाली या पत्नी। तो कहता है कि किसान मानता है कि यदि पत्नी मर जाए तो दूसरी भी लेकर आई जा सकती है, न सही एक दूसरी। पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। यदि एक नहीं है तो दूसरा विवाह किया जा सकता है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जब उसे अपने जवान लड़के की याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लेट जाता है। छाती पर सांप लेटना जो है मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और उसकी छाती फटती थी, उसे बहुत दुख होता था जब वह अपने पुत्र की मृत्यु को याद करता था। पिछले सुख की स्मृति आंखों में अक्षण भर एक चमक है लाती। जब उसका भरा पूरा परिवार था, स्मृति होती हैं यादें, तो उस समय की यादें उसकी आंखों में एक क्षण के लिए जो है एक चमक लेकर आती थी, एक खुशी लेकर आती थी। लेकिन तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन। लेकिन तभी जो है उसकी जो छाती थी, उसकी सोच थी, वह शून्य हो जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती और उसकी आंखों की जो वो चमक थी वो गायब हो जाती और उसकी स्मृतियां ही, उसकी यादें ही, परिवार की यादें ही उसे पीड़ा देने लगती। और फिर उसकी आंखों में करुणा और पीड़ा वाले, कभी न ख़त्म होने वाले भाव जो है वो जागृत हो जाते। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन कि वही जो सुखद यादें हैं वही उसको दुखी करने लगती। तीखी नोक सदृश बन जाती, वही यादें जो है उसे पीड़ा देने लगती। इस प्रकार इस कविता में जो कवि है वो किसान की पारिवारिक दशा और उसकी मन की व्यथा को, मन के दुख को व्यक्त करता है। काव्य सौंदर्य में आप सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद करुण रस है, प्रसाद गुण का स्वाभाविक प्रयोग है और समाज में स्त्री के प्रति समाज के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है और खड़ी बोली का प्रयोग है। धन्यवाद बच्चों। इसका काव्य सौंदर्य आप अच्छे से जो है अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे।